महादेव। सो हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देख रहे हो मेरे पीछे नज़ारा, भाई सीन अच्छा है, सब मौसम हो रखा है। सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी साइट है ये। तो फिलहाल हम फिर से जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। देख रहे हो माई भाई भी आपके साथ है आज। तो फिर कहाँ जा रहे हैं माई भाई? बस हम जा रहे हैं, एक बार हम गए भी थे, आपको दिखाया भी था, ये सस्पेंस रखेंगे हम कि वहाँ पे जाके बताएंगे क्या कौन सी जगह आए हैं। बट आपको अच्छा बहुत लगेगा, बहुत अच्छी जगह है। एक बार हम पहले भी गए थे, उस टाइम हमने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था, अब हम फिर से अच्छे से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बार बता के नहीं आए थे, अच्छे से एक्सप्लोर, पिछली बार बता के नहीं आया था, एक जगह फंस गया था, इस बार बता के आए हैं, इस बार बता के आए हैं। तो भाई चलो आगे भी और नज़ारे लेते हैं, चलते हैं भाई। ये नहान पहुँचने वाले हैं, मतलब है तो नहान भी बोल रहे, मतलब मेन जो बाज़ार है नहान का, वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो भाई नहान पहुँच चुके हैं, ये है मार्केट नहान की। अपने को कहाँ जाना है? ऊपर है सीधा नहान कोर्ट हाउस रेणुका जी, इसमें पूछ लेते हैं, मैं भूल गया हूँ, थोड़ा काफ़ी टाइम पहले आए थे। हैं भुवेश्वर महादेव टेम्पल, कोई बंदा दिखे ना जर्मन तो उससे पूछ रहे, फिर तू ही करा रहा होटल भैया। ये भुवेश्वर महादेव का रास्ता कौन सा? भुवेश्वर महादेव यहाँ से नीचे रोड से है, ये निचले वाला रोड जाएंगे, शिमला वाला रोड लेना वहाँ से पहले ही, ठीक है सर? धन्यवाद अंकल जी। पता नहीं भाई कहाँ कहाँ घुसे थे, मेरे को तो याद नहीं कहाँ थे। हाँ हाँ काफ़ी उसमें घुस गए थे आपको, पता नहीं कहाँ कहाँ, पता नहीं भाई मार दिया। चलो भाई देखो, अगर हमने पता किया अभी सुनी से कि भाई रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने ये बताया, तो मुझे थोड़ा सा याद भी नहीं आ रहा कि थोड़ा सा एटलीस्ट याद हो। आई होप रास्ता हमारा ठीक हो। क्या लगता है भाई, सही रास्ते जा रहे हैं? ये सही रास्ता पक्का? चलो भाई माही ने कह दिया सही रास्ता है ये। अरे गाड़ी क्यों ऐसे चला रहा है? तो भाई मौसम तो मस्त हो रखा है यार। अरे अरे मैं ग्लास उतार लेता हूँ। शिमला रोड यही है, शिमला रोड का वो बना हुआ है वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, तो रोड तो होपफुली यही है भाई। मैं अपनी लाइफ में दूसरी बार चला रहा हूँ बुलेट रोड के ये पहाड़ वाले एरिए में। आगे देखो यार क्या मौसम है, ओह माय गॉड। मनाली यहाँ सर आया, यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है, मुझे लगा मनाली लिखा था, इसलिए मेरे मुझसे बना में निकल गया, सॉरी। बाकी यार अगर आपको लग रहा है अच्छा ब्लॉग, लोकेशन अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, नहीं लग रही है तो भी लाइक कर देना यार। जब हम घर से चले थे तो बादल वगैरह हो रहे थे, अब यहाँ पे धूप हो गई है, लास्ट दोबारा लगा लेता हूँ मैं। मज़ा तो आता है यार, मतलब बाइक पे राइड करते हुए पहाड़ों के बीच में। लास्ट टाइम जब हम आए थे इस लोकेशन में तो स्प्लेंडर लेके आए थे, और मुझे पता है यार कि स्प्लेंडर से कितनी हमें दिक्कत हुई थी आते हुए, क्योंकि छोटी गाड़ी है वो तो नहीं चल पाती इतना, रोड नहीं खा पाती, अगर हाइट होती है तो वो दबक जाती है। बट आज होपफुली बुलेट लेके आए हैं, बुलेट भी मेरे रिलेटिव्स में से है,
जो मेरी वाइफ है उनके ब्रदर है, उनकी है बाइक। तो खैर उनको मैंने बोला कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बाइक दे दी। हाँ हाँ यहीं से ली थी। तो भाई पेट्रोल पंप देखा आपने यहाँ पे, यहाँ पे माई का पेट खराब हो गया था। मेरा खराब हुआ था पेट, मेरा खराब हुआ था भाई। तो भाई लास्ट टाइम यहाँ माई का पेट खराब हो गया था, तो हम यहीं पे पेट्रोल पंप पे रुके थे। थोड़ा तेज चलाते हैं ताकि जल्दी चल जाए। मैंने बाइक यहाँ पे रोकी है, ठीक है, ये बाइक खड़ी है अपनी। हर हर महादेव। ये भाई भी वीडियो बनाता हुआ घूम रहा है। सो गाइस एक अनाउंसमेंट करूँ मैं आपको, नंबर वन जो मुझे लेके आया, एकता कह रही है बताया नहीं। ठीक है, तो भाई देखो मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ। इसने एकता मुझे इसने बताया, इसने धोखा दिया। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी भाभी है, अभी तो लेगा ना, अब कहाँ भाग रहा है। सो भाई यहाँ भाभी से कॉल कर रहा है, ये मेरे को फंसवा रहा है। तो भाभी देखो मैं बता दूँ आपको, यही मेरे को लेके आया है। इसने मेरी वाइफ से भी मेरे को डांट पड़वाई है, ठीक है। हेलो भाभी, हाउ आर यू, कहाँ भागे, कहाँ जा रहा है भाई तू? हाँ आज मेरे को इसने मुझे फंसवाया, मैंने नहीं, ये मुझे लेके आया, मैं इसे नहीं लेके आया। ये मुझे लेके आया, मैं नहीं इसे लेके आया। हाँ जी, और इसने मेरी वाइफ से डांट पड़वाई है मेरे को। हाँ आप भी बदला पूरा करो मेरा। तो जो माही का जो ब्लॉग है भाई, मैं उसकी वीडियो आपको डाल दूंगा, ठीक है। चाबी गिर गई थी। थोड़ा चैनल के बारे में बता दे भाई, किस नाम से तेरा चैनल? भाई मेरा चैनल है ब्लॉग्स लाइफ के नाम पे, तो आप फॉलो कीजिए, देखिए। इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको देना शुरू करूँगा, और आज मेरा पहला ब्लॉग है, और धीरे धीरे आपको पता और चलता रहेगा मेरे बारे में, ठीक है। तो भाई मैं स्क्रीनशॉट जो है माही का वो डाल दूंगा चैनल का, ठीक है, तो आप फॉलो कर लेना, लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो ये माही की पहली वीडियो, तो बाकी चलो यार आगे चलते हैं, मिलते हैं आपको। मुझे लगता है बोतल लीक हो गई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो भाई ने देखो यार सारा गीला कर दिया भाई, तो देखो इन्हें पानी की बोतल अंदर फंसा रखी थी, सारा गीला कर दिया। किट तो खैर सही सलामत होगी, बाकी जैकेट भी लगता है गीली कर दी थी, लीक कर गया यहाँ से बैग सारा। थैंक यू यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सो भाई अभी लास्ट समझे वहाँ रुके थे, हमने यहाँ पे खाना वाना खाया था, तो अभी यहीं रुके हैं हम, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़ोर की। मैं तो नाश्ता नहीं करके आया था, गुस्से में घर वालों ने मुझे नाश्ता भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहीं खा लेता हूँ नाश्ता में, ठीक है। तो भाई थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो ये है यहाँ पे मन्नू फास्ट फूड ढाबा, ठीक है। तो यहीं पर चाय वाय पिएंगे, चाय माय पिएगा, मैं कॉफ़ी पीऊँगा। कितना प्यारा डॉग है यार यहाँ पे। अंकल चाय है जी, बता रहे क्या नाम है अंकल इसका? टाइगर। टाइगर टाइगर एक आँख नहीं है क्या इसकी? ये आँख आँख तो बहुत दूर से आई है। अच्छा है दोनों आँख यार उसकी, जैसे आपको कर रहे। हेलो दोस्तों, फिर मैं आ गया हूँ अजय के साथ। आप भी कहते हो ये अजय के साथ ही रहता है यार, हमारा स्कूल फ्रेंडशिप है बहुत सालों से। तो भाई देखो घर से मेरे को नाश्ता नहीं करा रहे था, मैं यहाँ कर रहा हूँ। मम्मी और पूछा देख लो, मैं यहाँ कर रहा हूँ नाश्ता। वही आपकी गलती, आपकी अपनी गलती है, हमारी गलती नहीं है। अपना दो चोर किसी पे नहीं थोपो, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। वो तो मैं घर से टिफ़िन लेके आया हुआ था, ये देखो भिंडी खा ली इसने, और रोटी लेके आया था, सब्ज़ी काटम कम हो गई, मटर मशरूम गए, कॉफ़ी अब बनने लग रही है, चाय कॉफ़ी, मैं चाय पीता हूँ तो ये कॉफ़ी पीता है। जिन्हें रोटी बड़ी है आपकी, तो रोटी बड़ी है, रोटी खाएंगे ले ले। नहीं मेरा हो गया यार, तू खाओ ना, खाओ खाओ। चलो बाकी हमारे जुड़े रहिए, आगे आपको और अच्छे अच्छे व्यू दिखाते रहते हैं। तो भाई ये आंटी जी है हमारे, ठीक है।
हम लास्ट टाइम भी आए थे तो आंटी जी के पास ही खाया था। अच्छा। आंटी जी बहुत टेस्टी खाना है आपका। हाँ जी, तो आंटी ने कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनाते हैं भाई। हाँ जी हाँ जी आंटी बिल्कुल। ऊपर मिली नहीं मेरे को यहाँ पर। अच्छा कौन बहू आंटी बहुत शाम को आएगी ना। सामान उठा के ले जा रहे थे नहीं यार, ढूंढती रहती हूँ। अब यही ढूंढेगा ना बंदा जहाँ रख रखा उसने। हाँ जी अब बताओ। अब मैं अभी नहीं खा रही, क्या करती हूँ आपको। कोल्ड ड्रिंक उठा ली आंटी आपकी? हाँ जी कोल्ड ड्रिंक उठा ली थी। चलो भाई तो ठीक है भाई, आना कभी यहाँ को अगर आओगे रास्ते में तो आंटी के पास जरूर कॉफ़ी पीना। हाँ जी आंटी अगले साल फिर आएंगे हम। हाँ जी आपके पास ही। ठीक है तो भाई अगली बार आओ तो फिर आंटी के पास भी आना। ठीक है ये टाइगर को बाय करते हैं। बाय टाइगर, नेक्स्ट टाइम मिलेगा तुझे। ठीक है तो भाई ये है यहाँ पे हमारा जहाँ हमने खाना खाया। ठीक है तो नेक्स्ट टाइम आओ तो कभी यहाँ पे आना ज़रूर। लंच डिनर सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है भाई तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। तो माई भाई और यहाँ पे खड़ा हुआ। ठीक है तो आप देखोगे यहाँ पे क्या नज़ारा है यार। थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ, रास्ता थोड़ा ऐसी है। हाँ सामने ही दिखा रहा हूँ मैं, ये देख वो भाई देखो हल्की सी धूप आई है यहाँ पे, अब धूप आनी शुरू हुई है। और ये देखो भाई औसम, मन ऐसा है कि आँखों में कैद कर लो इसको बस। क्या सही है यार, यहाँ पे एक घर बना लो छोटा सा, बस सुबह शाम यहीं से देखते रहो सब कुछ। तो भाई मैं सोच रहा हूँ एक बार थोड़ा सा ना ऊपर जाके देख के आते हैं वहाँ पे कैसा दिखाई देगा। ये अभी एक तरह से बातें करता हुआ चल रहा है। सो भाई आगे डेड एंड है। देखो ये है भाई, आगे देख रहे हो आगे कुछ नहीं है बस। है नीचे मैंने कहाँ जाना है, सांस चढ़ा दी यार थोड़ी सी ट्रक ने इसने छोटे से ने। वो वहाँ से आए हम, इससे आगे भी रास्ता, मैं इससे आगे भी रास्ता है वो देख। अरे नहीं जा रहा मैं बता रहा हूँ, बिग बाजार जा रहा हूँ। बीवी के पास तो हमेशा रहता हूँ, यहाँ पे बीवी है मेरे। कहाँ पे बीवी तेरे? यहाँ पे कहाँ? एक मिनट दिल में, एक मिनट से दिखा कहाँ है बीवी। यहाँ पे कहाँ? एक मिनट कहाँ है बीवी? पांच बार बता चुका हूँ यहाँ है। तेरी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी यहाँ है। दिमाग में दिल में नहीं है? वो भी वीडियो कॉल में दिखा रहा है, ब्लॉग कर रही हूँ। एक तो आप इस ब्लॉग में दिखाओगे? ब्लॉग में नहीं दिखाना उसको, मैं तो दिखाऊंगा भाई, ऐसे कुछ काम नहीं समझ गया। एक तो ब्लॉग देख सकती है ना? देख सकती है वो। ठीक है हा? कोई बात नहीं है, छुपा रहा है देखो कैसे। चलो कोई नहीं दिखाते भाई। सो भाई बस आगे नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है तो भाई नज़ारा बहुत बढ़िया है। चलो हम चलते हैं फिर, अभी यहाँ से निकलते हैं, से हमारी थोड़े बात कर ले फिर हम यहाँ से निकलते हैं मंदिर जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया।
हाँ पहुँच गए। ये देखो भाई रास्ता, ये ट्रैक का रास्ता है। सही है सही है, बस अब पहुँचने वाले हैं भाई। ये रास्ता ट्रैकिंग वाला है, ये हेलीपैड है यहाँ पे, देखो ये हेलीपैड है। ठीक है तो भाई अभी यहाँ से रास्ता आने वाला है, कहीं से रास्ता है वो रहा। ठीक है तो आप देख रहे हो गेट, ये है भाई मंदिर का रास्ता, अब यहाँ से हम जाएंगे। अब देखोगे ना आप आगे, अब भुवनेश्वर मंदिर का आपने देखा, वहाँ पे लगा हुआ था बोर्ड। तो भाई अब यहाँ देखो चढ़ाई कितनी खतरनाक है, लास्ट टाइम से स्प्लेंडर जो थी है चढ़ते हुए दिक्कत देती थी, ना ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, बुलेट है बहुत आ रही। तो भाई आप देख सकते हो पहुंच गए हैं मंदिर। ठीक है तो देखो सामने मंदिर देख रहा, ये पैदल वाला रास्ता है। ठीक है बाइक लगाते हैं आगे थोड़ा सा, आज लोग आए हैं यहाँ पे काफ़ी, है ना। ये देखो बंद कर दिया यहाँ पे, पहले ये ओपन था। यहाँ लगाते हैं हम बाइक, ये देखो ये पहले यहाँ पे ना ओपन हुआ करता था, अब वहाँ जाने नहीं देते। पहले हम लास्ट जब आपको दिखाया था हमने गए थे हम उधर। ये हमारी ब्लॉग बना रहा है अपना, ठीक है फॉलो कर लेना भाई इसको। ठीक है तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया रास्ता, पहले यहाँ पे ओपन हुआ करता था, देख रहे हो। चलो मंदिर की तरफ चलते हैं, इसे कंटेंट बना लेते फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो भाई देखो ये मूर्ति बन रही है यहाँ पे भोले बाबा की, काफ़ी हाइट पे मूर्ति है। ठीक है और ये रहा रास्ता जहाँ से हम लोग पैदल आ सकते थे, हम आए नहीं इसलिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है वापस भी जाना है तो मैं रिकॉर्डिंग लगा के रखता हूँ, ठीक है रिकॉर्ड होता रहेगा, आप दर्शन भी कर सकते हैं। गेट आई गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। ठीक है भाई तो ये गेट है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो वरदान सूची है जिन जिन ने दान दिया हुआ है। ठंडी यार थिएटर वाली ठंडी हो रही है, बहुत ठंड है यहाँ पे। मैं तो टी शर्ट में आया हूँ फ्रेंड्स, मैं जैकेट लाना भूल गया, बट मैं लेके आया हूँ जैकेट। जिसने धोखा किया मेरे साथ। मैंने धोखा किया है यार, लास्ट टाइम तू आया तुझे पता होना चाहिए था कि जैकेट की जरूरत है। यही फ्रेंड शादी का बेनिफिट इसी को बोलते हैं कि बीवी जब अपने पति को कहीं भेजती है पूरा सामान टिफन टुफन सब भेजती है, हम छड़े कुछ नहीं भेजा आपकी बार। मेरे को भेज दिया वही बहुत बड़ी बात है। यही शादी के बेनिफिट होते हैं कि अपने पति को बैग पैक करके, पति को बैग करके सारा भेज देते, पति को पैक करके ही भेजा है, आज पैक करके भेजा हुआ है। नमः शिव। ये छड़े हम जैसे छड़े, बस जो आया पहन लिया, जो आया चले, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तभी कहते हैं फ्रेंड्स सही एज में शादी कर लो। सही एज बोले तो, सही एज बोले तो 28 में जाओ बाबा जी। तो भाई ये रास्ता देखो ऊपर जाने का, यहाँ से हम जा रहे हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। स्थान है जो जहाँ से भगवान शिव ने और माता पार्वती ने महाभारत का युद्ध देखा था। हे भोले बाबा बाल्टी जल है। चलो जल लेके आते, लोटो उठा गए आए बाबा जी, मैं जल लेते हैं जरा जल कहाँ पर। हर हर भोले नमः शिवाय। ले हाथ लगा ले, जय भोले बाबा जी। नंदी महाराज, नंदी महाराज कहाँ गए मेरे,
अगर ये करेक्ट टाइम नहीं है जल चढ़ाने का तो प्लीज माफ कर देना। इस घर में दर्शन है यहाँ पर भोले बाबा जी के, ओ भोले बाबा जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव 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 महादेव। तो भाई मंदिर में माता को टेक लिया हमने। देखो लास्ट टाइम हम जब आए थे धुंध थी यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अब देखो भाई नीचे तक का क्या क्या दिखता है। ठीक है तो चलिए चलता हूँ मैं आपको आगे वो दिखाता हूँ। फोटो सेल्फी लेना मना है यहाँ पे, पे लास्ट जब हम आए थे यहाँ पे कितनी ज़्यादा धुंध थी कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और अब देखो आप कितना कुछ दिखाई दे रहा है आपको, सब पहाड़ वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है देखो वो धूप की रोशनी देख, धूप की रोशनी देखो धीरे धीरे आ रही है वहाँ से, है ना, लाइन से ऐसे बनी हुई आ रही है। ठीक है तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था ना तो देखो भाई यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, पिछली बार तो यहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा था। वो वाली पहाड़ी है जहाँ पर अब जाल लगा दिया गया है। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यार यहाँ पे। भाई अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो भाई क्लोजिंग का टाइम आ चुका है तो दर्शन बहुत अच्छे रहे हमारे। ठीक है मौसम जो हमने लास्ट एक्सपीरियंस किया था उससे भी बेहतर मिला है, बिकॉज लास्ट टाइम हमें कुछ व्यू नहीं मिला था अच्छा, तो अब की बार व्यू मिल चुका है। अभी यहाँ पे धुंध नहीं है बट वेदर बहुत ठंडा है, मतलब कभी भी आप आना तो मतलब ठंडे कपड़े साथ लेके आना। ठीक है भाई वेदर का प्रूफ देख रहे हो मैंने यहाँ पे अभी अपर पहन लिया। दूसरी बात कि अपनी फैमिली के साथ आना, जिसको आप फैमिली फ्रेंड जिसको लग रहा है, क्योंकि आज के टाइम में हम इतने बिजी हो चुके हैं ना, हम थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल सकते, तो अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने मंदिरों में, प्राचीन जो हमारे मंदिर हैं इतने, उसमें आइए दर्शन कीजिए। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको अभी। ठीक है हम वहाँ पर जहाँ आपको दिखाया था हमने कि जंदरा लगा हुआ है वहाँ पर, आगे जाने की जगह नहीं है, सो यहाँ पर जाने की जगह आपको दिखाते हैं आगे। ये देखो वहाँ से ज़्यादा रिस्की है इसलिए वहाँ से क्लोज कर दिया है। सो वो देखो वहाँ पे वो मंदिर है, ओखा यार चढ़ना है ना जगह, ज़्यादा लंबा चढ़ना पड़ जाए फिर मुश्किल हो जाएगा। सो भाई हाँ यहाँ से ख़त्म है रास्ता डेड एंड। सो यार इसके लिए तो लाइक बनता है यार, ना चाहते हुए आपको करना पड़ेगा इसके लिए लाइक। तो पीछे आ जाऊँ आगे जाऊँगा, तू मुझे गिराना चाहता है या बचाना चाहता है? गिराना चाहता है। तूने मुझे कहा आगे आ जा, आगे मैं कह रहा हूँ आगे आ जा, तू पीछे आ रहा है। अच्छा हाय हाय, अरे बैठ जा कुछ नहीं होता, आजा 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 आजा। सो भाई इसके लिए तो भाई आपका लाइक बनता है, नहीं भी करने की इच्छा तो भी करना चाहिए आपको इसके लिए, क्योंकि ये नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हाय क्या कहना चाहोगे माही इस नज़ारे के बारे में? यार इस नज़ारे के लिए बात तो भाई ने सही बोली, लाइक तो बनता ही है यार। लाइक भी बनता है और कमेंट भी बनता है। हाँ कैसा लग रहा है कि आपको है? सब्सक्राइब भी बनता है? बिल्कुल बनता है। ठीक है तो सब्सक्राइब भी करोगे तो करो भाई सब्सक्राइब दबा के, थोड़ा सा लाल वाला बटन दबा के मतलब। सो ये देखो यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति भी बनने लग रही है, वहाँ पे वो दिख रहे हैं हमारे महादेव,
बुद्ध की नहीं बन रही है, महादेव की बन रही है। वहाँ नीचे देख पोस्टर लगा हुआ था। चलो कोई नहीं, जब अगली बार हम आएंगे तो पता लग जाएगा। हाँ महादेव की है भाई वो, अरे वो तपस्या में जो वो लीन है ना, वो उनका वो वाला पोज है। क्या ठीक है? नहीं डालूंगा, डालू या ना डालू? डाल देंगे थोड़ा सा, नहीं डालेंगे वो यार। तो सबसे भाई ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, इससे सारे नीचे नीचे है ना, ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। सो भाई ठीक है, करते हैं बाय बाय, अब चलते हैं। हमें बहुत टाइम हो गया अभी, मोबाइल में अगर देखो मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है, ठीक है। तो अभी माई का फ़ोन ऑन है, अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल भाई चलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो प्लीज़ यार अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है।